तो भैया स्वागत है आप सभी का हमारे नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है क्योंकि आज हम करेंगे आपसे बात, ढेर सारी बात। तो बने रहिएगा दोस्तों ब्लॉग में। तो भैया कहते हैं ना कि हर एक सवेरा एक नई उम्मीद नई किरण लेके आती है। बहुत दिनों से सोच रहे थे कि आपसे बात करें। जब आप डीमोटिवेट फील कर रहे हो ना तो किसी से आप अगर बात कर लेते हैं, अपने प्रॉब्लम्स बता देते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। तो दोस्तों कहते हैं ना कि अगर आप क्रिएटिव माइंड के हैं और उस क्रिएटिविटी को आप ताउम्र नहीं बनाकर रखते हैं तो आप भी इस फूल की तरह हो जाते हैं। जिंदा तो रहता है लेकिन उसकी खूबसूरती कहीं गायब हो जाती है, मुरझा सा जाता है। तो दोस्तों हमने इस पैंडेमिक में एक बात सीखी कि किस तरह आपदा को अवसर में बदला जाता है। हमने ब्लॉगिंग स्टार्ट किया, बहुत खुशी से ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था कि हमारे भी कुछ फॉलोअर्स होंगे, हमारे भी सब्सक्राइबर्स होंगे। सोच अच्छी थी लेकिन जब से लॉकडाउन खुला है ना तब से व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, किसी भी क्रिएटर के वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि दोबारा लॉकडाउन लगे कहीं भी, लेकिन व्यूज़ नहीं आ रहे हैं किसी भी क्रिएटर पर। कम से कम 50% व्यूज़ गिरे हुए हैं, डाउन हुए हैं। तो आपको थंबनेल देख के लग रहा होगा कि अब हम यूट्यूब वीडियो नहीं बनाने वाले हैं, ब्लॉगिंग नहीं करने वाले हैं। तो हम आपको बता दें कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। मिनिमम 5 ईयर्स कोई भी ऐसा इंटेंशन नहीं है छोड़ने का यूट्यूब, मैक्सिमम का तो नहीं पता लेकिन मिनिमम 5 ईयर्स। और लॉकडाउन सभी जगह खुल चुके हैं, जिस वजह से स्कूल कॉलेज खुल गए हैं और इसी वजह से सभी क्रिएटर्स, जितने भी क्रिएटर्स हैं उन पे कम से कम 50% व्यूज डाउन हो गए हैं। दोस्तों यहाँ से सनसेट बहुत ही बढ़िया दिखता है तो हम आपको दिखाते हैं। इंसान सुकून की तलाश में हिमालय तक जा पहुंचा है। लाइफ में जो भी हो रहा है ना सब सही हो रहा है, जो भी होता है सब सही टाइम पे होता है। तो कभी भी ये भगवान से ये नहीं बोलना चाहिए कि भगवान तुमने ये क्या किया, भगवान तुमने वो क्या किया, जो हो रहा है सब सही हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।